गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई टेंथ लेक्चर ऑफ सेंटीफ्यूगल पम्प आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सैंटीफ्यूगल पम्प की एफिशिएंसी के बारे में कि सैंटीफ्यूगल पम्प की एफिशिएंसी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है फ्रेंड्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आपको इससे अच्छी लर्निंग्स मिलती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को दूसरे अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा लाइक्स भी कीजिएगा सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में सो so फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि एक पंप के केस में मेरा बेसिकली जो मूविंग कंपोनेंट रहता है वो साफ एंड इंपेलर एक मोटर रहती है इस मोटर का काम रहता है साफ को पावर सप्लाई करना ये साफ रोटेट करती रहती है और वो उसी हिसाब से इंपेलर को रोटेट करती है सो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे जो भी मोटर ने मेरी पावर दी वो पूरी की पूरी मोटर ने पावर साफ्ट को ट्रांसफर की और साफ्ट क्या करेगी इस पावर को ले जाके इंपेलर को ट्रांसफर करेगी बट होता क्या है कि अगर आप साफ्ट में देखेंगे तो जब वो जाके इंपेलर से में जाती है तो उससे पहले साफ्ट को अपनी जगह पे रखने के लिए उसके साथ में बियरिंग्स लगाई जाती हैं और बाकी बियरिंग्स होती हैं है और पैकिंग्स भी लगाई जाती हैं जिसकी वजह से क्या रहता है कि उसमें लॉसेज आते हैं मीन्स जो भी पावर हम साफ के थ्रू आगे भेज रहे हैं वो पूरी की पूरी पावर इंपेलर तक नहीं पहुंचती है वो पावर कहीं ना कहीं पे लॉसेस के टर्म्स में सामने आती है बिकॉज साफ्ट को बैलेंस करने के लिए बेयरिंग्स लगाई जाती हैं पैकिंग्स लगाई जाती हैं सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशेंसी की तो साफ ने तो अपनी पावर सप्लाई कर दी लेकिन वो पावर कुछ कम होकर इंपेलर को गई और इंपेलर क्या करता है इंपेलर उस पावर को यूज़ करके जो पानी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है जिसकी वजह से वो जो भी मेरी पावर है वो मेरी हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट होती है तो इस हाइड्रोलिक पावर को बेसिकली हम बोलते हैं रोटर पावर सो so बेसिकली अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की तो फ्रेंड्स मैकेनिकल एफिशिएंसी मेरी होती है रेशियो ऑफ रोटर पावर अपॉन साफ्ट पावर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स मैकेनिकल एफिशियसी होती है रोटर पावर रोटर पावर वो पावर होती है ये बेसिकली हाइड्रोलिक पावर होती है जो मेरा जो इंपेलर है वो डेवलप करता है और साफ्ट पावर वो पावर होती है जो मेरी

एच आई होता है बेसिकली द आइडल हेड जो मेरे इस पंप को डेवलप करना चाहिए फ्रेंड्स दोबारा सुनिए रो होता है मेरा डेंसिटी जिस फ्लूड को मैं हैंडल कर रहा हूं जी होता है मेरा एक्सएल रिसन टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड स्क्वायर क्यू प्लस क्यू होता है मेरा टोटल फ्लोरेट जो मेरे सक्सन लाइन के थ्रो आ रहा है एच आई होता है मेरा आइडल हेड जो मेरे पंप को डेवलप करना चाहिए पी होता है मेरा पावर सप्लाइड बाई द मोटर सो फ्रेंड्स दोबारा सुनिए मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है वो होती है रोटर पावर अपॉन साफ्ट पावर सेकेंड चीज जो आती है वो फ्रेंड्स आती है बेसिकली मैनोमेट्रिक एफिशियंसी मैनोमेट्रिक एफिशियंसी क्या होती है कि आइडली मेरा जो भी पंप है उसको एच आई हेड डेवलप करना चाहिए बट होता क्या है कि इम्पेलर रोटेट कर रहा है इम्पेलर में जैसा भी पानी अंदर करता है और इम्पेलर रोटेट करता है तो ढेर सारी लॉसेज होते हैं तो जो हेड हमें बाहर मिलता है वो हेड मेरे को एच आई ना मिलके एच HM एम मिलता है मींस वो हेड इस हेड से कुछ कम मिलता है मेरे को ये जो रेशियो होता है हेड लॉसेस इन द इंपेलर ये जो रेशियो होता है एच एम अपॉन एच आई का उसको हम बेसिकली बोलते हैं हेड लॉसेस इन द इंपेलर और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी सो फ्रेंड्स दोबारा सुनिए जो भी मेरा पंप है उसको आइडियल हेड डेवलप करना चाहिए था एच आई बट इंपेलर में होने वाले लॉसेस की वजह से नहीं जाता है रोटेट करा वहाँ पे कुछ लॉसेस होंगे जो मेरे को आइडियल एच एम ये जो रेसियोड वी गेट अपॉन जो होता है मेरा एच एम अपॉन एच आई फ्रेंड्स हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिसियंसी के बारे में सो फ्रेंड्स पंप के सक्सम से जो फ्लो आ रहा है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे केस में वो फ्लो होता है क्यू प्लस क्यू बट जो फ्लो हमें बाहर मिलता है वो फ्लो मान लीजिए हमें क्यू मिल रहा है जो स्मॉल क्यू रेट है उसे हम मान लेते हैं कि वो पंप में होने वाले लॉसेज है लाइक इंपेलर में इसमें कहीं से लॉस हो रहा है या फिर कहीं बियरिंग के थ्रू लॉस जा रहा है मीन्स पंप में होने वाले जो लॉसेज हैं उस फ्लोरेट को हम स्मॉल क्यू फ्लोरेट पकड़ लेते हैं सो फ्रेंड्स वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली मेरी वो एफिशिएंसी होती है जो आउटपुट फ्लोरेट अपॉन इनपुट फ्लो रेट का रेशियो फ्रेंड्स दोबारा समझिए जो भी मेरा लिक्विड इन कर रहा है मान लीजिए उसका फ्लो रेट होता है क्यू प्लस क्यू मीटर क्यूब पर आवर लेकिन पंप में कहीं पे केसिंग से लॉस हो रहा है कहीं पे कहीं पे आपका इंपेलर में और, और किसी जगह से लॉस हो रहा है जिसकी वजह से जो मेरे को फाइनल आउटपुट मिल रहा है पंप के थ्रू वो ओनली क्यू मीटर क्यूब पर आवर मिल रहा है सो फ्रेंड्स इन दैट केस मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशेंसी जो होती है वो बेसिकली होती है द फ्लोरेट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पंप अपॉन जो फ्लोरेट मेरे को पंप के सक्सन लाइन में मिल रहा है इसमें क्यू को हम ये मान के चलते हैं कि ये जो छोटा क्यू है ये इंपेलर के थ्रू होने वाले लॉसेस का फ्लोरेट है लाइक like बियरिंग से हो गया या फिर आपका इंपेलर की केसिंग से लॉसेस हो गए हैं इस सबको हम इस केस में कंसिडर कर लेते हैं कि वो सारे के सारे लॉसेस को मैं स्मॉल क्यू के टर्म्स में मान के चलता हूँ अब हम बात करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी फ्रेंड्स अब मैं आपको एक आसान से तरीके से समझाता हूं जो अभी तक मैंने आपको तीन स्लाइड्स में दिखाया मान लीजिए जो पंप है उसने जो भी मेरी मोटर है उसने पावर सप्लाई की पी जो मेरा पंप है वो पंप मेरा रोटेट हुआ और जो भी उसने आउटपुट हाइड्रोलिक पावर दिया वो मेरे को उसने दिया रो डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू क्यू प्लस क्यू जैसा कि मैं आपने मैं आपको पहले बताया था फ्लोरेड दैट इज कमिंग इन इन टू एच आई एच आई इज द आउटपुट टोटल आइडियल पंप को देना चाहिए बट फैंस होता क्या है कि इंपेलर में आपके लॉसेस हो गए बिकॉज आपका इंपेलर अंदर रोटेट कर रहा है तो फिशनल लॉसेज की वजह से जो head वो दे रहा है वो बेसिकली एच एम हो गया और जो फ्लोरेट इनका तो आपका क्यू प्लस क्यों रहा बट इंपेलर में होने वाले कुछ ना कुछ लिक्विड का लॉस होता ही है उन लॉसेज को अगर हम रिड्यूस करके माने तो फाइनल जो आउटपुट मेरे को इम्पेलर से मिल रहा है वो मान लीजिए क्यों मिलता है तो इस इक्वेशन में ही अगर मैं डायरेक्टली चेंज करके आपको आसान भाषा में समझाता हूं तो ये क्यू प्लस क्यू मेरा स्मॉल क्यू हो जाएगा और ये जो एच आई है ये मेरा कन्वर्ट होके एच एम हो जाएगा सो so, मेरी तो, जो पावर है वो बेसिकली कैलकुलेट होके आती है डेंसिटी इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच एम फ्रेंड्स दोबारा समझिए बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है पिछले तीनों की तीनों स्लाइड्स को मैंने कोशिश की है एक आसान भाषा में यहाँ पे कंपाइल करने की जो पंप जो मोटर है मोटर ने साफ से पावर सप्लाई कर दी पी जो मेरा पंप है उसमें पावर डेवलप होनी चाहिए थी डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी डेंसिटी इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू क्यू प्लस क्यू टोटल फ्लोरेट जो पाइप के अंदर आ रहा है सक्सन लाइन से पंप में आ रहा है इनटू एच आई जो भी आइडल हल आइडल हेड पंप को डेवलप करना चाहिए बट मेरे केस में क्या हो रहा है कि आइडल हेड जो पंप दे रहा है वो बेसिकली लॉसेज हो रहे हैं पाइपलाइन के थ्रू लॉसेस होंगे इंपेलर में लॉसेस होंगे वॉल्स में लॉस होंगी फिटिंग में लॉसेस होंगी वो एच की वैल्यू चेंज होकर एच हो जाती है जो मेरे को एक्चुअल में मिलता है सिमिलरली जो आउटपुट फ्लो रेट है वो क्यू प्लस क्यू की जगह मेरे को ओनली क्यू मिलता है बिकॉज स्मॉल क्यू मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा कहीं ना कहीं से इंपेलर से मेरे लॉसेस हो जाते हैं स्मॉल क्यू फ्लो रेट के तो अगर इसी क्वेशन में मैं चेंज करता हूँ तो ये, ये बड़ा क्यू प्लस क्यू कन्वर्ट हो जाएगा ओनली क्यू में एच आई कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एच एम में तो पावर जो मेरे को मिलेगी फ्रेंड्स वो मिलेगी डेंसिटी इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच एम अगर फ्रेंड्स मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करता हूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था ओवरऑल एफिशिएंसी होता है जाके आपका रोटर पावर अपॉन इनपुट पावर सो इस केस में मेरा फाइनल पावर मेरी आ रही है रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच एम अपॉन टोटल पावर सप्लाइड बाय द मोटर पी अदरवाइज कैलकुलेट करने के लिए एक और सबसे अच्छा तरीका है मकैनिकल एफिशियंसी जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था इनटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी जो आपको दूसरी स्लाइड में बताया था इनटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी सो फ्रेंड्स दोबारा समझिए ओवरऑल एफिशियंसी इज इक्वल टू मकेनिकल एफिशियंसी इंटू मैनोमेट्रिक एफिशियंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिसियंसी फ्लोरेट इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू एक्सलेन डू टू ग्रेविटी इन टू एच एम अपॉन पी होता है आपका पावर सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं हेड वर्सेस प्रेसर एक्चुअली काफी लोगों को एक डाउट रहता है कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि जो पंप है वो मेरा दस मीटर हेड दे रहा है तो उसका प्रेसर कितना होगा तो इस तरीके की जो एंडिगटीज रहती हैं लोगों के माइंड में कि लोग हेड और प्रेसर में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम मतलब मींस पंप में हम बात करें तो हेड की बात करें या फिर प्रेसर की बात करें तो फ्रेंड्स मैं आपको बेसिकली उसके बीच का डिफरेंस क्लियर करता हूं आज अच्छे से देखिएगा हेड इज द हाइट गिवन बाई द पंप टू द फ्लूड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मीटर ऑफ द कॉलम और सिंपली इंडिकेट्स इन मीटर हेड बेसिकली वो हाइट होती है जो भी कोई भी मेरा पंप डेवलप करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स हेड इज इनडिपेंडेंट डिफरेंट फ्लूड्स विद डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज आर लिफ्टेड एट द सेम हाइट जो भी मेरा हेड होता है जो भी कोई भी पंप डेवलप करता है वो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिपेंडेंट नहीं होता है फ्रेंड्स ये बात समझिएगा जो भी मेरा हेड होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूड कोई द फ्लूड है एक पंप मेरा उसको सेम हाइट तक फेंकेगा बट प्रेसर केस में क्या होता है फ्रेंड्स प्रेशर जो होता है फ्लूड का वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है बिकॉज प्रेशर का फॉर्मुला होता है फ्रेंड्स रो इंटू जी इंटू एच लिक्विड की डेंसिटी चेंज होगी तो आपका जो भी प्रेशर है वो लगने वाला प्रेशर चेंज हो जाएगा सो so, फ्रेंड्स एक आसान भाषा में समझिए कि दो लिक्विड्स को मैं एक जगह से दूसरी जगह पंप कर रहा हूं सेम पंप के थ्रू अगर पंप मेरा सेम है तो बेसिकली एक की डेंसिटी मान लीजिए वन है एक की डेंसिटी वन पॉइंट टू है दोनों के दोनों केस में मेरे को जो भी प्रेसर जो भी हेड मिलेगा वो हेड सेम मिलेगा बट जो प्रेसर मेरे को मिलेगा वो उस केस में जो भी लिक्विड ज्यादा डेंसिटी का है उस केस में मेरे को जो प्रेसर डेवलप है वो प्रेसर ज़्यादा मिलेगा बट हेड मेरे को दोनों केसेस में सेम मिलेगा फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट करता हूं दो अलग अलग लिक्विड्स हैं खाली डेंसिटी का डिफरेंस है इन दोनों केसेस में मेरे को जो पंप मेरा हेड देगा वो सेम देगा लेकिन प्रेशर मेरे को जिस केस में डेंसिटी ज़्यादा है उस केस में मेरे को प्रेशर ज़्यादा मिलेगा सो फ्रेंड्स होप आपको हेड और प्रेशर का लेक्चर प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सो so फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें बेसिकली हम कुछ आपके पावर पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि सेंटिफ्यूगल पंप में बेसिकली हम पावर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय अ नाइस टाइम